कुक्षी को जिला बनाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जनादेश सरकार सोमेश्वर पाटीदार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से प्रारंभ कर शिवराज हटाओ प्रदेश बचाओ सत्ता परिवर्तन पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंचेंगे। पाटीदार पदयात्रा करते हुए सिंगाना पहुंचे हैं। यहां पर उप सरपंच संदीप अग्रवाल, सचिन पाटीदार, विनोद पाटीदार आदि ने पदयात्रा का स्वागत किया। चौथे दिन पदयात्रा की रात्रि विश्राम सिंघाना ही रहा है। गणपुर चौकड़ी पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आंदोलन प्रमुख सोमेश्वर पाटीदार ने कहा कि यह क्षेत्र सरदार सरोवर परियोजना से डूब प्रभावित है, आज तक विकास की राह देख रहे। यहां से पीड़ित लोग धर्म का आंडवर करने वालों ने मां नर्मदा को भी नहीं छोड़ा है, रेत खनन कर मां नर्मदा को छलनी करने का काम कर रहे हैं। सिंघाना में सोमेश्वर पाटीदार ने कहा कि सिंघाना बड़ा स्थान है, यहाँ आसपास के 35 से 40 गांव को लोग व्यापार व्यवसाय हेतु आते हैं। कुक्षी जिले के साथ ही हमारे मांग पत्र में सिंघाना में नगर परिषद व पुलिस थाना भी शामिल है। यहाँ कॉलेज की सख्त आवश्यकता है और अस्पताल की व्यवस्था भी बदतर है। क्या सत्ता पक्ष के लोग बरसों यहाँ मंत्री रहे और आज भी सत्ता में है, उन्हें यहाँ नहीं जरूरतें नहीं दिखी, इस क्षेत्र में सिर्फ वोट ही चाहिए क्या? उन्होंने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। जिले में शीघ्र मेडिकल कॉलेज को लेकर धार में न बनाते हुए इसे कुक्षिया दही में बनाने की बात कही, जिससे आदिवासी एवं पिछली जाति को इसका फायदा मिल सके। कुक्षी जिला बनाने से क्षेत्र में विकास की रफ्तार लेगा, परंतु हमारे क्षेत्र के विकास के दुश्मन शिवराज सरकार के द्वारा उपेक्षा के कारण सत्ता परिवर्तन पदयात्रा कर रहे हैं। अब समय आ गया है हमारा क्षेत्र की उपेक्षा का जवाब देने का और सत्ता से शिवराज को बेदखल करेंगे। इस अवसर पर पदयात्रा का स्वागत कर धार जिला कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप बरफा, सरपंच जयपाल मुझालदा, भगवान मुझालदा, धनलाल मुकाती, अशोक खेंडे, बबलू रमजान खान, आकाश गोयल, देवेंद्र श्याम, नीलेश बाबूलाल, आशीष डॉक्टर, योगेश रवि, लखन मोहनलाल परमार, पवन भटोदरा, मोतीलाल परमार, नवीन राजू, बालकृष्ण पाटीदार, ललित पाटीदार, मुकेश भोजराज, जगदीश सिंगार, किशोर मुकाती, राजू चोयल, लक्ष्मण नाना राठौर, हीरालाल चोयल, राजू गुप्ता, अजय गुप्ता, सुरेश पाटीदार, नीलेश गुप्ता, गोपाल बर्फा, बबलू अजय, रक्षा गंगाराम जमरा, दीपक ग्रावर सहित कई लोग उपस्थित रहे।